उसी सड़क पर हूँ जो दो दिन पहले हमने खबर चलाई थी। हाँ, उस खबर का असर साफ तौर पर दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दो दिन पहले ही हमने ये खबर चलाई थी कि यहाँ बड़े बड़े जो है वो खड्डे पड़े हुए हैं और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा जो है यहाँ पर हो सकता है। और आज आपने देखा कि यहाँ पर जो है इस खड्डों को जो है भरा जा रहा है और थोड़ी देर के बाद यहाँ जो है ब्लैक टॉपिंग भी जो है वो की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और उसके बाद डीसी साहब का और एक्जी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने उन तक हमारी बात पहुंचाई और डीसी साहब ने और एक्जी साहब ने हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको फिल फॉर जो है कंसिडर किया और इस काम को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो आप मज़ीद जो हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने एक्जी साहब से कि आप होनेस्ट आदमी हैं, ये कुछ छुपी चोरी की बात नहीं है, लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये काम हो रहा है एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये ढलवान एरिया है और यहाँ पानी जब आता है इसके ऊपर तो ये लुक जो है ये ज़ाया हो जाती है। तो इसका जो वर्क जो बिटुमन वर्क जो इसका होगा तो एक हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर उसका 90 डिग्री से प्लस होना चाहिए और दूसरा ये है कि उसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए तभी जाके ये ठहरेगा। तो दो साल या तीन साल हम भी सब्र मतलब इसमें आराम करेंगे और डिपार्टमेंट भी इसमें आराम करेगा। जब ये खड्डे पड़ते हैं या रोड ज़ाया होती है तो डिपार्टमेंट के लिए भी परेशानी होती है, पब्लिक के लिए भी परेशानी होती है। तो हम उनका शुक्रिया के साथ साथ दूसरी बात यह है कि हम PHC जो एक्जिन साहब हैं हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक आज ही या कल ही दो दिन के अंदर अंदर एक आप ऑर्डर पास करें कि जहाँ भी आपके डिपार्टमेंट जहाँ भी कोई लाइन बिछी होती है रोड के नीचे और कई बार कोई पाइप ब्लॉक हो जाती है तो उसमें जो PHC वाले जो उसमें वो खोद के खड्डा करके वहाँ से वो जो डिफेक्ट जो उसका रिमूव करते हैं तो वो खड्डा वैसा ही वैसा रह जाता है जिसकी वजह से रोड डैमेज हो जाती है। उसमें पानी क्योंकि पानी सबसे बड़ा दुश्मन होता है लुक का, जो ब्लैक टॉपिंग से सबसे बड़ा पानी से दुश्मन होता है। तो मैं एक दिन PHC साहब से रियाज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक ऑर्डर पास करें कि जहाँ भी कोई आप डिफेक्ट रिमूव करेंगे तो उसमें जो खड्डा पड़ेगा उस खड्डे को आप फिल फोर उसको बंद कर दें। अगर आप उसमें जो है बिटुमन वर्क नहीं कर पाएंगे तो उसमें कम से कम बजरी डाल के आप उसमें सीमेंट कंक्रीट डाल के आप उसको बंद कर दें ताकि रोड जाया होने से बचे। उसके बाद मैं म्यूनसिपैलिटी प्रेसिडेंट साहब से और CEO साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये अग्निन साहब ने अपना फर्ज अदा किया, ये हमारी परेशानी को दूर किया है। मज़ीद आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो ड्रेन है ये ड्रेन आप म्यूनसिपैलिटी की है, इसको आपने यहाँ जो पूरी ड्रेन भरी हुई है इसका जितना भी पानी है जब बारिश होती है तो पानी इसमें इसका रोड में आता है और उससे भी रोड ज़ाया होती है। तो आप इस जो ड्रेन है जो ये इसको आप साफ़ करें और इसके आगे जाके पुली होगी वो पुली हम आपको दिखाएंगे, कलवट है छोटा सा, उस कलवट के नीचे PHC के जाल बचे हुए हैं उसको थोड़ा सा हाइड करनी है और उसमें से निकास जो पानी का निकलता रहे तो मज़ीद हमारी जो परेशानी बच सकती है। एक्जिन अपने जो हमारे PWD हैं उनसे मैं एक मज़ीद रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तो आपने आज तो हमारी ये परेशानी ख़त्म की है लेकिन मज़ीद हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप इसकी एक DPR बनाएं। ये 100 मीटर का एरिया होगा, इस एरिया के लिए आप एक स्लैब का DPR बनाएं ताकि वो स्लैब अगर पड़ जाएगा तो 4-5 साल या 10 साल लोग भी आराम करेंगे और डिपार्टमेंट भी आराम करेगा। ये हमारी खसूसी रिक्वेस्ट उनसे रहेगी। शुक्रिया बहुत। ये 8-10 महीने से आपने देखा होगा बड़े बड़े गड्ढे थे। मैं समझता हूँ कि गाड़ी का चलना तो दूर की बात है, इंसान भी यहाँ नहीं चल सकता था। तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो आज से दो दिन पहले जो न्यूज़ चली और उसके बाद DC साहब ने इसका संज्ञान लिया, मैं DC साहब की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तमाम मैं समझता हूँ कि ये जो रोड है ये हज़ारों लोगों को यहाँ से दिन में हज़ारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, हज़ारों गाड़ियाँ हज़ारों मोटरसाइकिल गुजरते हैं। तो इसका संज्ञान जो है वो DC साहब ने लिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो दो दिन पहले न्यूज़ चली और आज ये काम हो गया। मैं समझता हूँ ये जो यहाँ कंसर्निंग लोग हैं, पावर हाउस हो गया, TD स्कूल मोहल्ला हो गया, ये गंदी कस्सी मोहल्ला हो गया, यहाँ से 3-4 मोहल्ले रोड से कनेक्टेड थे। मैं एक बार फिर आपके चैनल का और DC साहब का धन्यवाद करता हूँ। पावर हाउस के जो लोग हैं उन्हें बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और 2 से 3 स्कूल जो हैं यहाँ पर थे, बच्चों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर आज प्रशासन की आंखें खुली हैं और यहाँ पर जो है ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू कर दिया गया है।